ऐसे कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था सीएमजे यूनिवर्सिटी से, उन सभी की डिग्री पर किसी न किसी तरह का सवाल या निशान लग गया था। सीएमजे यूनिवर्सिटी के पास अभी फिलहाल कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी चलाती है। यूनिवर्सिटी का जब आप नीचे अबाउट अस में स्टेटस आप पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी 2009 में बनती है ये। आप यूजीसी पर भी जाएंगे तो वहां आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी और साथ में ही यूनिवर्सिटी जो मेंशन करती है। दोस्तों सीएमजे यूनिवर्सिटी मेघालय 2009 में जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, इसको लेकर आप स्टूडेंट्स के दिल में बहुत सारे सवाल हैं। जितने स्टूडेंट्स ने पहले इस यूनिवर्सिटी से कोर्स किया था, क्योंकि 2013-2014 में जो प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी के साथ में आई थी, ऐसे कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था सीएमजे यूनिवर्सिटी से, उन सभी की डिग्री पर किसी न किसी तरह का सवाल या निशान लग गया था, जिसकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। और कहीं पर भी जब स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाया करते थे तो वो शक के घेरे में आ जाया करते थे। सीएमजे यूनिवर्सिटी के पास अभी फिलहाल कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी चलाती है, क्या कहता है हाई कोर्ट का जजमेंट और क्या कहता है वो स्टे ऑर्डर जो 2017 में मिला इस यूनिवर्सिटी को, और यूजीसी पर ये यूनिवर्सिटी सही तरीके से एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ऐसे कई सारे सवाल आप लोगों के दिल में है। और साथ में ही सीएमजे यूनिवर्सिटी से जो भी कोई आपने कोर्स किया था, कोई भी एजुकेशन आपने इस यूनिवर्सिटी से ली थी, तो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने की लास्ट डेट क्या थी, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। सीएमजे यूनिवर्सिटी जो कि मेघालय में स्थित है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों सीएमजे यूनिवर्सिटी को लेकर हालांकि हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वो लिंक डाल देंगे ताकि आपको पहले जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी इस यूनिवर्सिटी के साथ में, वो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में आप जान पाएंगे। सीएमजे यूनिवर्सिटी को हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक लाइन जो यहाँ लिखी होती है, जैसा मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी, जो भी कभी भी यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आती है, बनती है, तो वो 1956 का जो एक्ट है यूजीसी का, उसके तहत ही सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को सेक्शन 2F के तहत ही मान्यता प्राप्त होती है। दोस्तों सीएमजे यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह cmjumeghalaya.edu.in, और इसके बारे में जो यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस या एक लाइन चला रखी है अपनी वेबसाइट पर, आप रेड लाइन से देख पाओगे, वहां भी क्लियरली मेंशन है कि जो ओरिजिनल वेबसाइट है इस यूनिवर्सिटी की, सीएमजे यूनिवर्सिटी की, वो cmjumeghalaya.edu.in यही एक वेबसाइट है, बाकी सब फेक पोर्टल से आप सावधान रहें, ऐसा यूनिवर्सिटी मेंशन करती है अपनी वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी का जब आप नीचे अबाउट अस में स्टेटस आप पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी 2009 में बनती है ये। आप यूजीसी पर भी जाएंगे तो वहां आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी और साथ में ही यूनिवर्सिटी जो मेंशन करती है, यूनिवर्सिटी बोलती है कि न्यू दिल्ली एज स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 2F एंड एम्पावर्ड टू अवार्ड, मतलब जो जो डिग्रियां यूनिवर्सिटी अवार्ड कर सकती है वो सभी डिग्रीज हैं। और साथ में यूनिवर्सिटी बोलती है कि यूनिवर्सिटी जो एम्पावर्ड टू अवार्ड है डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर एंड डॉक्टरेट डिग्री, ये सभी कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवा सकती है। इन सभी कोर्सेज को कराने के लिए ही यूनिवर्सिटी यूजीसी को अप्रोच करती है और ये सब कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। अभी हम बात करते हैं यूजीसी पर क्या बोलता है इनका स्टेटस। दोस्तों सीएमजे यूनिवर्सिटी जैसे ही आप जाके चेक करते हैं, आप चेक कैसे करेंगे, आप जाइए यूजीसी की वेबसाइट पर, यूजीसी की वेबसाइट है ugc.ac.in, जैसे ही वहां पर आप यूनिवर्सिटीज का जो टैब बना है क्लिक करेंगे, नीचे आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जैसे ही स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को खोलेंगे वहां सभी स्टेट्स का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। मेघालय पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले नंबर पर ही इस यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र है। टोटल 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करता है यूजीसी जो चलती है मेघालय में। सबसे पहले है सीएमजे यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल डली है, ऑफिशियल वेबसाइट डली है। 2009 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई, डिटेल उसकी सब यहां अपडेट है। डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी 2013 में हुआ। एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यस और नो, यस हुआ। अब यहां से इस यूनिवर्सिटी की कहानी आगे शुरू होती है जो आपको जाननी चाहिए, जिसके लिए स्टूडेंट्स परेशान हैं। आप रिमार्क में देखोगे लिखा है स्टेटस ऑफ सीएमजे मे बी सीन,
पर उससे पहले डेट ऑफ विजिट की हम लोग बात करें, 13 में ही विजिट हुई थी और साथ में ही रिवाइज्ड स्टेटस ऑफ सीएमजे में इन्होंने डाला है कि यूनिवर्सिटी किस तरह से रिवाइज होती है और वहां ये पूरा स्टेटस क्या बोलता है इसके बारे में लेटर पर हम एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे जिसमें आपको डिटेल में बताएंगे। पर पहले आप बात कर लीजिए इसके उन ऑर्डर्स के बारे में जो हाईकोर्ट बोलता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है। पहले बात कर लीजिए हाईकोर्ट के बारे में। हाईकोर्ट में बोलता है, इसमें सबसे नीचे की लाइन पढ़ के आपको बताता हूं, लिखा इंप्यूक्ड ऑर्डर डेटेड 13/3/2014। इंप्यूक्ड वो ऑर्डर्स होते हैं जो पहले किसी भी कोर्ट ने दिए होते हैं। ये 31 मार्च 2014 एंड द शो कॉज नोटिस डेटेड 11/12/2013। मतलब जो शो कॉज नोटिस इनको एक दिया गया था 11 तारीख को दिसंबर में 2013 में एंड 24 तारीख को जनवरी में 2014 में आर हियर क्वेस्ट एंड सेट असाइड, वो क्वेस्ट कर दिए गए हैं। जिस तरह से हम किसी भी एफआईआर को 482 ऑफ सीआरपीसी में क्वेस्ट करवाते हैं उसी तरह से इस ऑर्डर को क्वेस्ट कर दिया गया, मतलब जो पहले जो सो कॉज नोटिस भेजा गया था। इसी के आधार पर यूनिवर्सिटी आगे जाती है, सीएमजे यूनिवर्सिटी जाती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है जिसमें स्टे मिल जाता है इनको। और स्टे मिलता है, इसमें लिखा हुआ है स्टे ऑर्डर डेटेड 4/9, मतलब कि 4 सितंबर 2017 ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट विल कंटिन्यू, मतलब कि स्टे ऑर्डर जो मिला था सीएमजे यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू रहेगा। और इसी को देखते हुए ही फिर सीधा यूनिवर्सिटी ने जाकर अप्रोच किया है यूजीसी को और यूजीसी का लेटर भी इनकी वेबसाइट पर अपडेट है। क्योंकि सभी लेटर्स को लेकर अगर हम इसी वीडियो में बताएं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम एक वीडियो को लेकर आएंगे कि इस यूनिवर्सिटी के पास अभी फिलहाल में कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं, जजमेंट्स क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या बोलता है और कैसे इनको यूजीसी का अप्रूवल मिला दोबारा से। क्योंकि यूनिवर्सिटी के बारे में सभी लोगों को यही पता था कि यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व कर दिया गया है या फिर यूनिवर्सिटी अब अस्तित्व नहीं है, पर ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी अभी भी चल रही है। और अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो यहां पर जाने के बाद कोर्सेज भी बहुत सारे मेंशन हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्सेज हैं, जो अप्लाइड साइंसेज के कोर्सेज हैं, सोशल साइंस कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी कराती है, मैनेजमेंट करवाती है, टीचर एजुकेशन करवाती है, अलाइड साइंस के हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, फार्मेसी जो अलग से काउंसिल है पीसीआई जो डी फार्मेसी बी फार्मेसी करवाती है यूनिवर्सिटी, वो कोर्स भी करवा रही है, नर्सिंग कोर्सेज भी है, लॉ कोर्सेज भी है। कोर्सेज के बारे में भी हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे। आप किस पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, आप चाहते हो वीडियो कोर्सेज पर या आप चाहते हो यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स पर, या क्या कहते हैं वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स या जजमेंट्स आए हैं उनके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी यही जो याचिका थी पेंडिंग है, अभी उस पर डिसीजन आना पेंडिंग है। क्या डिसीजन आएगा वो तो वक्त ही बताएगा, पर मैं आपको बता दूं जब भी ऐसी किसी यूनिवर्सिटी के साथ में कोई भी स्कैम होता है तो जो ऑर्डर आता है वो सभी स्टूडेंट्स के फेवर में ही आता है हमेशा। तो यूनिवर्सिटी को दोबारा से अप्रूवल मिल जाएगा, साथ में यूनिवर्सिटी को कंफर्मेशन एक ऑर्डर भी साथ में आ जाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। पर अभी फिलहाल जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बोलती है उसके बारे में हमने बताया। किस मुद्दे पर नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो सीएमजे यूनिवर्सिटी के बारे में, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अच्छा लगे हमारे वीडियो तो जितने भी स्टूडेंट्स ने सीएमजे यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है या फिर करने वाले हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन से रिलेटेड अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, उन सभी तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को हर तरह के अपडेट से अपडेट रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।